नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तथ्यवान मासिक पत्रिका में प्रकाशित स्पोर्ट करंट अफेयर्स, तो जो कि आपको आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, यह जो करंट अफेयर्स है यह लिया गया है तथ्यवान मासिक पत्रिका से। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का है पहला प्रश्न है यहाँ पर, आईसीसी के वार्षिक पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दी गई है। दोस्तों, यह ट्रॉफी दी गई है, ऑप्शन नंबर आपके सामने है 4 एमएस धोनी, विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी शिखर धवन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है यह जो ट्रॉफी है गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, यह दोस्तों दी गई है विराट कोहली जी को, यहाँ पर प्रदान की गई है। ठीक है, विराट कोहली को इस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, वर्ष 2018 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेटर किसे चुना गया। जहाँ दोस्तों, 2018 का बेस्ट क्रिकेटर चुना गया है बी ऑप्शन नंबर स्टीव स्मिथ को, यानी कि बी इसका स्टीव स्मिथ सही आंसर है। दोस्तों, इनके लिए यहाँ पर 2018 का टेस्ट क्रिकेटर चुना गया, बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर यानी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। ठीक है, इसके बाद चलते आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, सऊदी अरब में खेले गए विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2017 किसने जीती है। दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने ए विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन बी आनंद शर्मा, ऑप्शन सी विजय कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी विश्वनाथ आनंद। जी हाँ दोस्तों, विश्वनाथ आनंद में सऊदी अरब में खेले गए विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2017 का खिताब जीता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, इंटरनेशनल स्कीइंग कंपटीशन में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। ऑप्शन ए आंचल ठाकुर, ऑप्शन बी आरती ठाकुर, ऑप्शन सी पूनम पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी आंचल ठाकुर यह पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने यहां पर इंटरनेशनल स्कीइंग कंपटीशन में पदक जीता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ष 2018 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना गया है। 2018 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एक दिवसीय किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है दोस्तों विराट कोहली को। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर टेस्ट में किसे चुना गया है, टेस्ट में चुना गया है स्टीव स्मिथ को, और एक दिवसीय में चुना गया है विराट कोहली को, आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, आईसीसी के वार्षिक पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उदीयमान, ठीक है, उदीयमान पुरुष क्रिकेटर कौन बना है। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी हसन अली, ऑप्शन सी एमएस धोनी, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो दोस्तों, यह सर्वश्रेष्ठ उदीयमान पुरुष जो क्रिकेटर चुने गए हैं वह है हसन अली, जो कि ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक है, हसन अली यह दोस्तों कौन चुने गए हैं, उदीयमान पुरुष क्रिकेटर बने हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, आईसीसी के वार्षिक पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर किसे चुना गया है। एसोसिएट क्रिकेटर किसे चुना गया है, तो दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन ए राशिद खान, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी हसन अली, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि राशिद खान को चुना गया है पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर, ठीक है, जो कि है अफगानिस्तान के एक बेस्ट बॉलर हैं। ठीक है, इसमें से इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन किस खिलाड़ी का रहा है। वर्ष 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन T20 श्रृंखला में किसका रहा है। ऑप्शन ए है आपके सामने विराट कोहली, ऑप्शन बी युजवेंद्र चहल, ऑप्शन सी है कुलदीप यादव, ऑप्शन डी मोहम्मद शमी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि युजवेंद्र चहल है, इन्हें 2018 का बेस्ट सर्वश्रेष्ठ T20 प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। ठीक है, युजवेंद्र चहल जी को। ठीक है, इसके बाद चलते आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट
2018 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों यह ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 में आयोजित किया गया है, किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन ए आपके सामने रोजर फेडरर, ऑप्शन बी मॉरिस सिलिक्स, ऑप्शन सी डेनिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रोजर फेडरर ने यह ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ठीक है, कौन किसने जीता है दोस्तों? रोजर फेडरर ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 का खिताब, यह इन्होंने जीता है। ठीक है, और दोस्तों यह इनका पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों ये बात करें इनका पुरस्कार यह है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 का रोजर फेडरर ने अपना छठवां खिताब किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? दोस्तों छठवीं बार उन्होंने यह खिताब जीता है, और यह छठवीं बार जो जीता है किसको हरा के जीता है? ऑप्शन ए मॉरिस सिलिक, ऑप्शन डी बी है डेनिस, ऑप्शन सी ग्रैमसी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो यहाँ पर पुरस्कार जीता है रोजर फेडरर ने, जो कि यह छठवां पुरस्कार है और यह जीता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मॉरिन सिलिक को हराकर जीता है। ठीक है, किसको जीता है? मॉरिस सिलिक को हराकर जीता है, जो कि यह कहाँ के खिलाड़ी हैं? यह जो हारने वाले खिलाड़ी हैं क्रोशिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसके बाद चलते आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, थाईलैंड में आयोजित रॉयल कप टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? थाईलैंड में आयोजित रॉयल कप टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए शिव कपूर, ऑप्शन बी राकेश यादव, ऑप्शन सी पवन गुर्जर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिव कपूर। जी हाँ दोस्तों, शिव कपूर है भारत के खिलाड़ी हैं, इन्होंने थाईलैंड में आयोजित रॉयल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है, रॉयल कप टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं एक। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 12वें नंबर का, रणजी ट्रॉफी 2018 का खिताब किसने पहली बार जीता है? रणजी ट्रॉफी 2018 का खिताब किसने पहली बार जीता है? दोस्तों रणजी ट्रॉफी एक भारत में क्रिकेटर ट्रॉफी है, क्रिकेट के क्षेत्र में प्रदान की जाती है। यह दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने दिल्ली, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी विदर्भ, ऑप्शन डी पंजाब। दोस्तों यह रणजी ट्रॉफी 2018 का खिताब यह जीता है विदर्भ ने जीता है, जो कि यह पहली बार जीता है विदर्भ ने। ठीक है, अभी तक के इतिहास में पहली बार जीता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, 5वां विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट विश्व कप का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया था? 5वां विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट विश्व कप का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएई में आयोजित किया गया था 5वां विश्व दृष्टिहीन विश्व कप। ठीक है, ये दोस्तों दृष्टिहीन खिलाड़ी खेलते हैं इस क्रिकेट को। ठीक है, जो कि है किया गया था कहाँ? यूएई में किया गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, 5वां विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? दोस्तों यह 5वां विश्व कप जो दृष्टिहीन क्रिकेट वालों का है, यह जीता है भारत ने जीता है। ठीक है, यह भारत ने जीता है, और दोस्तों यह किसको हरा के जीता है? तो इसका उपविजेता है पाकिस्तान, पाकिस्तान की टीम को हराकर भारत ने 5वां विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, यह पाकिस्तान को इसने हराया था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्ले राइट 2018 भारत का पहला स्पोर्ट लिटरेचर्स फेस्टिवल 17 और 18 मार्च को कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह जो आयोजित किया गया था कहाँ पर? यह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में प्ले राइट 2018 भारत का पहला
स्पोर्ट लिटरेचर फेस्टिवल यह 17 और 18 मार्च को आयोजित किया गया था। ठीक है, कब? 17 मार्च, 17 और 18 मार्च 2018 को आयोजित किया गया था। दोस्तों यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको वीडियो यह पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आप नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको बिल्कुल हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसका अपडेट आपको तुरंत पहुंच जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।